नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान, और मैं हूं आपके साथ हैदर जेदी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। राजस्थान में रीट परीक्षा का 2 दिवसीय महाकुंभ 23 जुलाई से शुरू होगा। इस बार प्रदेश भर के 1376 परीक्षा केंद्रों पर रीट परीक्षा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की निगरानी में होगी। इन्वेजिलेटर से लेकर सेंटर सुपरिंटेंडेंट तक सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी होंगे। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,50,713 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में परीक्षा के लिए कुल 779 सेंटर बनाए गए हैं। सभी परीक्षा सेंटर पर कुल 8,092 इन्वेजिलेटर लगाए गए हैं। रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर जयपुर में 14,091 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी में तैनात हर कर्मचारी अधिकारी का अलग से आई कार्ड जारी किया जाएगा। आई कार्ड के जरिए ही इन सेंटर्स पर प्रवेश दिया जाएगा। रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई। अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। दुपट्टा पहनकर महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। मोबाइल ब्लूटूथ कैलकुलेटर के साथ अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। घड़ी, चेन, अंगूठी, इयर रिंग के साथ भी परीक्षा केंद्रों पर नहीं घुसने की कोई इजाजत दी जाएगी। अभ्यर्थी शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता और कुर्ती पहनकर ही परीक्षा दे सकेंगे। पुलिस और शिक्षा विभाग सीसीटीवी से निगरानी करेगा। रीट परीक्षा में नकल करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम करेगा। 2022 के तहत कार्रवाई होगी। परीक्षा में नकल करवाने और पेपर लीक करने जैसे मामलों को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। इसके तहत 5 से 10 साल की सजा का प्राविधान भी होगा। 10 लाख से 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्राविधान भी होगा। नकल गिरोह की संपत्ति जब्त की जा सकेगी। गौरतलब है कि जब पिछली बार रीट परीक्षा का आयोजन हुआ था तब अनियमितताओं और नकल के कई आरोप सामने आए थे। ऐसे में इस बार रीट परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि इस बार परीक्षा में नकल रोकने के दावों में कितना दम होगा? क्या नकल गिरोह पर पुलिस और प्रशासन इस बार नकेल कस पाएगा? परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए क्या क्या इंतजाम और कदम उठाए जाएंगे? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित होगी, और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा। रीट परीक्षा का महाकुंभ, राजस्थान में रीट परीक्षा का महाकुंभ कल से शुरू हो रहा है। 23 और 24 जुलाई को 2 दिन तक रीट परीक्षा होगी। रीट परीक्षा की तैयारियों में जुटा है पूरा प्रशासन। इस बार सरकारी कर्मचारियों की निगरानी में होगी रीट परीक्षा। इन्वेजिलेटर से लेकर सेंटर सुपरिंटेंडेंट तक सभी सरकारी कर्मचारी होंगे शामिल। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,50,713 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में परीक्षा के लिए कुल 779 सेंटर बनाए गए हैं। आपको बता दें, सभी परीक्षा सेंटर पर कुल 8,092 इन्वेजिलेटर लगाए गए हैं। जयपुर में 14,091 सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। ड्यूटी में तैनात हर कर्मचारी अधिकारी का अलग से आई कार्ड भी जारी किया गया है। आई कार्ड के जरिए ही इन्हें सेंटर पर प्रवेश दिया जाएगा। और रीट परीक्षा से जुड़ी पूरी गाइडलाइन जानिए। मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। दुपट्टा पहनकर महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी 5 मिनट तक बदल सकेंगे ओएमआर शीट। मोबाइल ब्लूटूथ कैलकुलेटर के साथ नहीं मिलेगा प्रवेश। घड़ी, चेन, अंगूठी, इयर रिंग के साथ नहीं मिलेगा प्रवेश, एंट्री नहीं दी जाएगी। शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता और कुर्ती पहनकर ही परीक्षा दे सकेंगे अभ्यर्थी। दुपट्टा पहने महिलाओं को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पतले शॉल के जूते और चप्पल और सैंडल पहनकर ही आप अंदर जा सकेंगे। पुलिस और शिक्षा विभाग सीसीटीवी से निगरानी करेगा। प्रदेश भर के 1376 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। शिक्षा विभाग के साथ पुलिस का अभय कमांड सेंटर करेगा निगरानी। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले आपको रीट परीक्षाओं की तैयारी को लेकर एडजी लॉ एंड ऑर्डर का एक बयान सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है? 23 और 24 को रीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा काफ़ी बड़े लेवल पे होती है, इसमें परीक्षार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, तो इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस की पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की है।
उसको दो लेवल पे आप समझ सकते हैं पुलिस की व्यवस्थाओं को। एक जो आने जाने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, यानी यातायात के सुगम संचालन के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसमें पुलिस बल बहुत ज़्यादा नियोजित किया गया है, चाहे वो बस स्टैंड्स हों चाहे रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह के ऊपर पुलिस को तैनात किया गया है। दूसरा, जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी भी सुरक्षा चार चौबंद की गई है। किसी भी तरह का व्यवधान इस परीक्षा के आयोजन में ना हो, परीक्षा जो है पूरी तरह से व्यवधान रहित हो, इसकी शुचिता पूरी तरह से बनी रहे, इसको मद्देनज़र बड़ी तादाद में जो जिलों के अंदर उपलब्ध पुलिस बल है उसके अतिरिक्त जो हमारे पास रिजर्व पुलिस बल होते हैं उनको बड़ी संख्या में हमने तैनात किया है। बड़ी बहस में चर्चा की शुरुआत करेंगे, खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, मुराद अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर और बड़ी बहस में आपका। भरत मेघवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। उपेन यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष बेरोजगार एकीकृत महासंघ के, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि 23 और 24 जुलाई को परीक्षा होने जा रही है और ये वही परीक्षा है, इससे पहले जब एक बार परीक्षा में गड़बड़ियां पाई गई या लोग वहां पूरी तरह से नकल करते हुए देखे गए उसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए, तमाम चीजों को लेकर चुनौतियां भी सामने आई। अब एक बार फिर चुनौती है रीट परीक्षा का महाकुंभ की कल से, और सबसे पहला सवाल भरत मेघवाल जी आपसे, कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मान रहे हैं? साल जो चीजें हुई है उसको देखते हुए इस बार गहलोत सरकार ने पूरे प्रशासन को मुस्तैद रूप से इस परीक्षा के आयोजन के लिए लगा दिया गया है ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आप देखिए कि 10 फ्लाइंग स्क्वाड लगाए गए हैं, परीक्षा के जो वाहन है उनमें जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, कलेक्टर और एसपी द्वारा पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, 14,000 के तकरीबन सरकारी कर्मचारियों को परीक्षा को सफल पूर्वक करवाने के लिए लगाया गया है, आईडी कार्ड के द्वारा उनको परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे के द्वारा परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है, अभय कमांड द्वारा सीसीटीवी कैमरे के द्वारा उन परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। तो पूरे राजस्थान सरकार और गहलोत साहब कटिबद्ध है, तत्पर है कि इस परीक्षा का सफल आयोजन करवाया जाए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो पाए। इसी तरह से आप देखिए 2 दिन की जो ये परीक्षा है उसके लिए पूर्व से ही सभी को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, एसओपी जारी हो चुकी है, जिस तरह की गाइडलाइन होनी चाहिए थी वो गाइडलाइन हो चुकी है और पूरी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से बच्चों को सिर्फ एक आधार कार्ड और एक अपनी एक फोटो साथ में ओरिजिनल लेकर जाने के लिए कहा गया है ताकि जब परीक्षा केंद्र पर वो पहुंचेगा। भरत जी पिछली परीक्षा से, पिछली परीक्षाओं से इस बार सीख ली गई है और जो दावे इस बार किए जा रहे हैं उससे नकल गिरोह इस बार हार जाएगा, ये तो तय है? बिल्कुल, देखिए गहलोत साहब ने जिस तरीके से इस बार पूरा पुख्ता इंतजाम किया हुआ है उससे जरूर ये नकल गिरोह जो भी गिरोह है वो बिल्कुल नाकाम होगा। आप देखिए इसी वजह से विधानसभा में नकल विरोधी कानून को भी गहलोत सरकार ही है जो ये कांग्रेस की सरकार थी जो लेकर आई थी। तो गहलोत साहब और कांग्रेस की सरकार हर तरीके से तत्पर है युवाओं को नौकरी देने के लिए और युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए। इसीलिए देखिए पूरा प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ से इस बार ये लग चुका है कि एक महाकुंभ होने वाला है और आज तक पहले कभी इतना कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इस तरह की परीक्षाओं के आयोजन के लिए इस तरह की व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया हो और इस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही हो। तो नकल रोकने के जो दावे हैं इस बार पूरी तरह से मजबूत हैं और इस बार पूरी तरह से नकल गिरोह पर आप सफलता हासिल करेंगे, ऐसा भरत इस वक्त मेघवाल हमारे साथ कह रहे हैं। मुराद जी आपके पास आऊंगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि पिछली परीक्षाएं हमने देखी और अब फिर एक बार रीट परीक्षा, बड़ी चुनौती सरकार के सामने, आप क्या देख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप बताइए अगर कोई कमी हो तो उसको दुरुस्त करने के लिए। जेडी साहब, मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के मित्र जो अभी कह रहे थे कोई नई बात नहीं कही इन्होंने, पिछली बार जो एग्जाम हुई उससे पहले भी यही रटा रटाया कांग्रेस का जो था वो नारा था, रटा रटाया इनका स्टेटमेंट था और विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा का इन्होंने दावा किया कि साहब विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा हम आयोजित कर रहे हैं और नतीजा डाक के 3 पात रहा।
जयदी साहब, और रिट की बात क्यों कर रहे हैं ये? मैं कह रहा हूं जितनी भी परीक्षाएं राजस्थान में इस कांग्रेस राज में हुई है, वो चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम रही हो, कांस्टेबल की रही हो, सब इंस्पेक्टर की रही हो, उन सब परीक्षाओं में धांधलियां हुई है, उनके पेपर आउट हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार भी जो ये बातें कर रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा जा रहा है या फिर नकल को रोकने की बात की जा रही है, वो सिर्फ आपको अब भी दावे लग रहे हैं? देखिए जेडी साहब, खैर ये तो इसका जवाब समय जो है वो देगा, लेकिन जेडी साहब मैं फिर आपको एक बात कहता हूँ कि अभी तक भरत मेघवाल जी ने ये क्लियर नहीं किया जो पिछली गलतियां थी कि आपने ये प्रश्न पत्र कहाँ छपाया, आपने उन ब्लैक लिस्टेड परीक्षा केंद्रों को आपने जो है उनको अवॉइड किया या नहीं किया, सीसीटीवी कैमरेज की क्या आपकी व्यवस्था रही, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या आपकी ट्रांसपेरेंसी है, इस पे अभी तक कुछ भी इनका कोई वर्जन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जब जहाँ सरकार में जो है खुद पेपर खरीदने वाले और बेचने वाले लोग बैठे हों, वहां पर इनसे ये उम्मीद करना, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ कि ईडी को इंटरफेयर करना पड़ा जेडी साहब, तो मेरा ये मानना है कि इनके थोतले वादे हैं और कमजोर इच्छा शक्ति की सरकार है। मुझे लगता नहीं कि पिछली बार 26 लाख अभ्यर्थियों के युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार ने कोई सबक लिया होगा। इतनी खुदकुशी की युवाओं ने जगह जगह राजस्थान में, अगर थोड़ा भी इनमें जो है शर्म बची हो तो मैं कहता हूँ कि इनको जो पुख्ता इंतजाम जो करने चाहिए, और जिस तरीके की अभी जो गाइडलाइन इन्होंने नई जारी की है, अभी वाहवाही लूट रहे थे नए एक्ट की, नए एक्ट में भी सारा का सारा लोड जो है उस छात्र पे डाला गया है। इन्होंने अपने जिम्मेदार अफसरों को कहीं पे भी ये नहीं कहा कि ये जिम्मेदार अफसर जो है वो उनसे इस तरीके से होगा, ये सारा का सारा लोड अभ्यर्थी पे रखा है, तो इनकी नियत और उसमें मनसा में खोट है। और मैं समझता हूँ कि इनके इरादे मजबूत नहीं है जेडी साहब, और मजबूत इरादों के, ठीक है, भरत मेघवाल इसका जवाब देंगे, मुराद अली के उनके इरादे कितने मजबूत हैं, कितने इरादे मजबूत नहीं है, इनके दावों में कितना दम है, इसको लेकर हम उपेन यादव से भी जान लेते हैं, क्योंकि उपेन यादव भी लगातार चर्चाओं में रहते हैं और बेरोजगारों के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। क्या उपेन यादव आप देख पा रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता भरत मेघवाल जी ने कहा कि इस बार महाकुंभ है, पिछली बार इन्होंने रिटोत्सव बताया था, दो त्योहार तो इन्होंने मना दिया है, लेकिन जो भर्ती पेपर रद्द होने से उन बेरोजगारों पर क्या बीती थी वो बेरोजगार जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार लगातार मुख्य सचिव साहब महोदय जी मीटिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि बक्से में पैक होगा, त्रिस्तरीय सुरक्षा होगी, लेकिन उपेन यादव जी आपको रोकना चाहूंगा, आपको रोकते हुए ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आप भी बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेता हैं, आप भी छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हैं जमीनी स्तर पर, हमने देखा आपको लड़ाई लड़ते हुए, और अगर ये नकल पे किसी तरह से लगाम लगाई जा सकती है तो आपको भी सुझाव देना चाहिए सरकार को, आपको भी सहयोग करना चाहिए। जेडी जी, जो सुझाव अभी ये लागू कर रहे हैं ना, ये जी ये सुझाव पिछले साल अप्रैल में सुझाव दे दिए, जो कमेटी बनी थी आरपीएससी पूर्व अध्यक्ष महेंद्र कुमाऊ जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, वो कुमाऊ, जब वो कमेटी के सुझाव पहले लागू कर दिए जाते तो पेपर लीक नहीं होते, पहले ये कमेटी बन जाती लेकिन लागू नहीं होते। और कोई बात नहीं, हम यही कहेंगे कि यदि जो इन्होंने तैयारी की है जिस अनुरूप ये भर्ती परीक्षा को बचा लेते हैं तो ये धन्यवाद के पात्र रहेंगे, क्योंकि ये लाखों बेरोजगारों का भविष्य का सवाल है। ये परीक्षा बेरोजगारों की नहीं है, ये परीक्षा कांग्रेस सरकार की भी अग्नि परीक्षा है। अभी तक इस परीक्षा में कांग्रेस सरकार फेल हुई है, जीरो नंबर मिला है, लेकिन एक बार फिर कल से परीक्षा शुरू होगी, लेकिन इनके सामने चुनौतियां क्या है? आपके स्टूडियो में आने से पहले मैं आधे घंटा विधानसभा के सामने जाम में फंसा रहा, बरसात आई आधे घंटे तक वहां जाम लगा है, यदि कल बरसात आ गई परीक्षा केंद्र पर बेरोजगार नहीं पूछ पाए तो क्या व्यवस्था, इसकी व्यवस्था की भी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी होगी। इसके अलावा आपने परीक्षा केंद्र कई दूर दूर भी दिए, गृह जिले में नहीं दिए। इसके अलावा जो आपने बसों की सुविधा फ्री आपने निर्णय किया कि हमने लगातार मांग भी उठाई थी, उन्होंने कहा कि हम इनका शुल्क नहीं लिया जाएगा, परीक्षा केंद्र तक इनको बसों का फ्री किराया माफ किया जाएगा, लेकिन कहां जो टोंक का रहने वाला जयपुर कोचिंग कर रहा है ना, वो पहले टोंक जाएगा और गृह जिले से उसको छूट मिलेगी, ये भी दुविधा आ रही है। रही बात, अब यही कहना चाहूंगा मैं कि ये कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है जो उन्होंने तैयारियां की है, मैं तैयारी बार बार अग्नि परीक्षा का जिक्र आ रहा है तो भरत मेघवाल से जवाब ले ही लेते हैं। भरत जी,
अग्नि परीक्षा कांग्रेस की कैसे आप देख रहे हैं, और इस परीक्षा में अगर कांग्रेस पास नहीं होती तो फिर 2023 में बहुत मुश्किल पड़ जाएगी आपको। भूपेन यादव भी खड़े होंगे तमाम बेरोजगारों को लेकर आपके खिलाफ। हैदर जी देखिए, जिस तरह की बातें की जा रही है उन बातों पे मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि राजस्थान सरकार ने, गहलोत साहब ने जिस तरह से पुख्ता इंतजाम किए हैं उसमें आपको बता दूं राजस्थान की रोडवेज बसों का इंतजाम। भरत जी, भरत जी, सवाल तो यही खड़ा होता है, इंतजाम तो पहले भी किए थे क्या, पिछली बार इंतजाम नहीं किए थे? देखिए, जो समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका हमेशा उन पर लगाम लगाने का काम किसका, कृत्य करके लोगों को और छात्रों के भविष्य को उन पे लगाम लगाने के लिए सरकार ने मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूँ। जो कानून ने कहे ना आप भरत जी, अब कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस की मैं लेकर आई है, सुनो सुन लीजिए, आरोप प्रत्यारोप आरोप में आप तथ्यात्मक जवाब दे दीजिए, जिस तरह के तथ्यात्मक जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे जी बोले, आप बोलिए। गहलोत साहब ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो इंतजाम किए उस इंतजाम को आप देखिए। आप जो बड़ी बड़ी बातें अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे कर रहे थे, इनकी तरह बड़े बड़े वादे करके 1 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देकर 10 लाख पे ले जाने वाली नहीं है ये गहलोत सरकार। ये पकौड़ा बेचने को और रोजगार नहीं कहती है। गहलोत सरकार वो सरकार है जिन्होंने जल्द से जल्द इस रीट परीक्षा का आयोजन करवाया, उन लोगों के भविष्य को खिलवाड़ होने से बचाया, जिन लोगों का देखो जेडी जी, यदि कल ये भर्ती परीक्षा सुरक्षित करवा देते तो धन्यवाद देने में भी सबसे ज्यादा उपेन यादव आएगा। आप सुन तो लीजिए, पहले आरोप प्रत्यारोप सुनने की क्षमता रखिए, आप सुन तो लीजिए। आरोप प्रत्यारोप के लिए जेडी जी से लगा रहा हूँ, तथ्यात्मक लगा रहा हूँ, इनके पास जवाब है तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जवाब देना, जवाब दीजिए भरत जी। जागृति स्कूल का नाम आया, विपुल बोर्ड के उपाध्यक्ष मंजू शर्मा है वर्तमान, उसका बेटा धीरज शर्मा जेल में पेपर लीक में, और उसकी जागृति स्कूल की क्या मान्यता आपने रद्द की? दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द तब की जब हमने प्रदर्शन किया, आपने संपत्ति जब्त की, आप जागृति स्कूल की बताइए मान्यता को रद्द की गई नहीं, आप जागृति स्कूल की बताइए और मान्यता कब हुई जब हमने प्रदर्शन किया था? आप रक्षक बक्षक बात आई थी, युवा देख रहे स्कूल में जाके भरत जी मेरा सवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन आप दोबारा करने जा रहे हैं, अगर शायद पहले ही बेहतर तरीके से की होती तो दोबारा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हैदर जी, पूरे इंतजाम किए गए थे, उस समय जो जो लोग इसमें लिप्त थे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई, जो जो इसमें जिम्मेदार अधिकारी थे उन्हें सस्पेंड किया गया और 43 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा गया, 80 आरोपी इसमें नामजद किए गए, और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द, जब सबने ये मांग की कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, तो सीबीआई की मांग की थी, करके सीबीआई की मांग की थी, सीबीआई के इशारों पर बड़े नेता रक्षा की बक्से बन चुके हैं, जांच करवाए। मैं कह रहा हूँ कि यदि आपके बड़े नेता
अध्यक्ष का वीडियो देखिए कि आपके आशीर्वाद से, आपके मेहरबानी से आपकी सरकार आई है, या छोड़िए ये चीज तो आज सत्ता में लेके तो कार्ड फेंक कर दिया, छोड़िए चीज को, 2023 में आ जाना, 2023 में आ जाना, पता लग जाएगा, आ जाना 2023 में पता लग जाएगा। आज कर रहे हो ये रक्षक बच्चा बन गए, यहाँ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, लेकिन उपेन यादव, उपेन यादव आपके आपके सवालों का जवाब ऐसे नहीं मिल पाएगा। भारत भारत मेघवाल जी, ऐसे ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। भारत मेघवाल जी, उपेन यादव जी, हम तथ्यों पर बात कर लेते हैं, वन बाय वन बात कर लेते हैं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। अगर हम चीखते रहेंगे तो कोई जनता समझ नहीं पाएगी आपकी बात को। इसलिए सबसे पहले उपेन यादव आप सवाल उठाइए, उसके बाद हम जवाब लेंगे। भरत जी बोलिए, उपेन यादव बोलिए। मैं इनको पूछना चाह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि एसओजी ने, जी सर ये कह रहे हैं कि एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने 42 क्या, इन्होंने 42 तारीख का आंकड़े ठीक नहीं है, बैठकर लोगों को गिरफ्तार किया। मैं एक चीज आपको पूछना, इनके आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, तथ्यार्थ में पूछ रहा हूँ, आप इस पर सहमति जताना। दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन का पेपर लीक हुआ, दिसंबर 2020 में, वो तारीख और बता दो, 6 दिसंबर को 2020 में जेईई डिग्री का पेपर लीक हुआ, दोनों भर्तियां रद्द कर दी गई, लेकिन एसओजी आज तक पता नहीं लगा पाई पेपर लीक कहां से हुआ, कौन अपराधी है, प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ या अधीनस्थ बोर्ड से, आज तक एसओजी विफल हुई है। एसआई का पेपर लीक हुआ, बीकानेर से पाली आया, 12 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन उसका खुलासा नहीं हुआ। आरपीएस घोष कांड प्रकरण में एक सदस्य का नाम आया, उसको दबा दिया गया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में और इसके अलावा सीएचओ भर्ती परीक्षा में, और जो मैं जागृति स्कूल की जो चर्चा कर रहा हूं, जो कांग्रेस के नेता के बेटे की बात कर रहा हूं, वो पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस का प्रेस नोट है, वो जेल में है, वो अपराधी जेल में है, लेकिन उसकी मान्यता नहीं। मैं तथ्यात्मक बोल रहा हूं, अभी ये क्या है कि सरकार से वाई वाई लेने के, नंबर लेने के चक्कर में लंबी लंबी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन युवा पूछेंगे सवाल जहां से रहते हैं, बताएंगे भाई वह झूठी वाई वाई क्यों कर रहा है, भाई इसका जवाब दे दीजिए। युवा पूछेंगे आपको क्यों एसओजी फेल हो पाई, इसलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे थे कि गिरो, गिरो का और नेताओं का गठजोड़ है, आज नहीं तो कल खुलासा होगा, जेल के अंदर भी होंगे, क्योंकि हम पीछा छोड़ने वाले नहीं, सत्य की लड़ाई लड़े, हमने तो समर्थन दिया था कांग्रेस को, कांग्रेस के साथ थे, और आप अच्छा काम करोगे, ये भर्ती परीक्षा सही होती है तो मैं धन्यवाद देने आऊंगा कांग्रेस को, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा यदि मेरे बेरोजगारों का भविष्य बच जाता है। कल अच्छी तरह भर्ती परीक्षा, हम अच्छी पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षा करवाने के लिए निवेदन कर रहे हैं, कल भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ होगी और जो जो व्यवस्थाएं की गई हैं वाकई वो कामयाब होंगी, तो उसमें उपेन यादव धन्यवाद कहेंगे भरत मेघवाल। लेकिन अगर कहीं कोई कमी है तो उस पर आज ये तथ्यात्मक सवाल आपसे पूछेंगे और जवाब आपको देने होंगे, क्योंकि सरकार आपकी है। हमारे साथ मुराद अली जी भी हैं, मुराद अली जी आपका भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन चर्चा में आप सब लोग हमारे साथ बरकरार रहेंगे, लेकिन यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी बहस में लगातार हम रीट परीक्षा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मुराद अली भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं, भरत मेघवाल हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं, उपेन यादव अध्यक्ष बेरोजगार एकीकृत महासंघ के हमारे साथ बने हुए हैं। भरत मेघवाल, चूंकि लगातार हम जिक्र कर रहे थे परीक्षा को लेकर, परीक्षा में वाकई जो इंतजाम होने चाहिए क्या इस बार वो किए गए हैं, पिछली परीक्षाओं से सबक लिया गया है या फिर रीट परीक्षा के जो दावे हैं उनमें कितना दम है, ये सारे सवाल लगातार आपसे पूछे जाते रहेंगे। मुराद अली आपके पास आऊंगा, क्योंकि लगातार रीट परीक्षा का महाकुंभ कल से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं क्या इस बार नकल गिरोह हारेगा और परीक्षा जीतेगी, और अगर परीक्षा सफल होती है तो उपेन यादव भी कह रहे हैं हम स्वागत करेंगे, हम बधाई देंगे और बधाई का पात्र होंगे कांग्रेस, लेकिन अगर परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो ये जो ताज है ये भी कांग्रेस के सर ही सजेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या देख रही है, क्या चाहती है, क्या और कुछ सलाह देना चाहते हैं आप इंडिया न्यूज पर कांग्रेस को? ये जितनी बातें जो हो रही है इनको ये पूछो, अभी पिछले दिन के बारे में जो हुआ, आपके जो डीपी जारोली जी थे वो कहाँ है? कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा एसओजी ने जांच की, 72 गिरफ्तारियां हो गई, 80 नामजद हो गए, लेकिन सवाल ये है कि आपके जो मगरमच्छ थे, जो उपेन यादव जी बता रहे थे अभी कि सीबीआई की जांच की मांग किस लिए की जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, उपेन यादव जी जैसे बेरोजगार युवाओं का नेतृत्व करने वाले लीडर भी कर रहे थे, तो सवाल यह कि सीबीआई तक जांच नहीं गई,
सीबीआई के पास में कोई बात गई नहीं, तो इनके मगरमच्छ तो आज भी बचे हुए हैं। तो डीपी जारोली जी की आगे जांच क्यों नहीं बढ़ी? आप राम कृपाल मीणा जी की कैसे रह गए? तो कई सारी चीजों की जो बात थी हैदर जी, वो बड़ा दर्द है इस दिल में, और मेरे इस दर्द को आज निकाल दीजिए और बता दीजिए कांग्रेस को कि ये दर्द है और इस दर्द को कम हो, अगर आपका दर्द बाहर निकलेगा तो शायद कम हो जाए। मुराद अली हैदर जी, मैं आपको बता दूं, आपके सारे केंद्र सीसीटीवी युक्त होने चाहिए। आपका ट्रांसपेरेंसी सिस्टम जो है, आप इस नकल गिरोह से तभी जीत पाएंगे जब आपका ट्रांसपेरेंट तरीके से आपका सिस्टम जो है अपडेट होगा। आप देखिए किस तरीके से रिट के पेपर जो है सड़कों पे मिले हैं, जिस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है, जहां पर आपके प्रश्न पत्र छप रहे हैं, उन प्रिंटिंग प्रेसों से लेकर स्टोर तक और वितरण तक की कार्रवाई आपको बड़ी जेड प्लस सुरक्षा में करनी होगी, तब जाके आपको ये नकल का जो शिकंजा है ये कसा जाएगा, वरना आपके एक्ट के भरोसे तो ये नकल गिरोह की कमर ना कल टूटी ना आज टूटेगी। मैं बताऊं हैदर जी, कमजोर इच्छा शक्ति की सरकार है, जहां पर विधायकों की संख्या पे जिसकी नजर हो, किसी प्रश्न पत्र और इनकी परीक्षा के किसी फेल होने पे, पेपर आउट होने पे इनको कतई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग इस महा घोटाले में, इस डाके में शामिल है। पूरे राजस्थान में नारे लगे थे, रिट का पेपर कहाँ मिलेगा, ना दी तेरे भाड़े में। मैं आपको बताऊं, राजस्थान के युवाओं के दिलों से पूछिए कि किस तरीके से 26 लाख युवाओं के भविष्य के साथ इस राजस्थान की सरकार ने खिलवाड़ किया, और आप बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं की, ये कर दिया, फ्री पास कर दिया, बसें चली जाएगी। अभी उपेंद्र जी ने एक टेक्निकल सवाल खड़ा किया, इन्होंने कहा कि बरसात का मौसम है और जगह जगह गाड़ियों का जाम लग रहा है, आपके उस जाम से निपटने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? इन्होंने तो सोचा ही नहीं होगा कि बरसात के मौसम आएगा और उसमें जाम लगेगा। इन्होंने क्या इस तरीके के कोई अलग से रास्ते तैयार किए जहां से परीक्षार्थी सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके? नहीं, इस तरीके की कोई आपातकालीन व्यवस्थाएं अब तक हमने पढ़ने पर और सुनने पर नहीं मिली है हैदर जी। तो मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि इनके जो जितने भी ये वादे कर रहे हैं और जितने भी ये तैयारियां बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, युवाओं को धोखा देने की बात है। इनका वही नकल का गिरोह जिंदा है, वही बड़ी टेक्निक के साथ में वो दावा बोलेंगे, और ये इनके लोग जब तक शामिल रहेंगे। आज राजीव गांधी स्टडी केंद्र के जो लोग शामिल थे, अभी तक कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं किया कि हमने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए बाहर के लोगों को इसमें इस प्रक्रिया में शामिल नहीं कर रखा है। भरत मेघवाल जी, आपकी नजर विधायकों पर है, मुराद अली जी कह रहे हैं आपकी नजर विधायकों पर है, इसलिए व्यवस्था की बात, सिर्फ व्यवस्था की बात है, दावे हैं, बाकी कुछ नहीं है। भरत जी से पहले मैं कुछ कहना जा रहा था जी, पिछले 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिर्फ और सिर्फ विधायकों पे नजर रखकर जिस हिसाब से कार्य किए जा रहे हैं वो तो पूरे राजस्थान की जनता जानती है। इनके राजस्थान के मंत्री जो सांसद आए और इनके जो बाकी के केंद्र के मंत्री आए, उन्होंने बहुत भरपूर प्रयास किया इस राजस्थान की सरकार को असंतुलित करने के लिए, लेकिन ये राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार थी जिनका ये असंतुलन आपके सचिन पायलट जी ने किया, आप उनपे बोलिए ना भरत जी। और बाकी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के अलावा कोई दूसरा काम है कि नहीं आपके पास? रीट के एग्जाम की हो रही है तो मैं इनको ये बता दूं कि सचिन पायलट जी अगर आपकी बगावत करते हैं आप उसमें बात कीजिए। मूविंग वाहनों का आज रात और 24 जुलाई तक स्लो मूविंग वाहनों का डायवर्जन कर दिया जाएगा ताकि किसी तरह की जाम की कोई यहाँ पे स्थिति पैदा ना हो। सैटेलाइट बस अड्डों का यहाँ पे इंतजाम किया जा चुका है, बाहर से जितने भी परीक्षार्थी आएंगे उनके लिए सुविधा बनाई गई है, और साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों से जो पुलिस रिजर्व लाइन में जो पेपर आए थे वो भारी सुरक्षा के साथ और जो जवान तैनात थे उन जवानों की निगरानी में आए, जिस स्टोर रूम में रखा गया है तो स्टोर रूम में जवान तैनात किए गए, और साथ ही साथ हर परीक्षा केंद्र। आप ये बोलिए कि कांग्रेस के लोग इस परीक्षा से कितने किलोमीटर दूर रही है, बताइए आप पहले। राजस्थान के युवाओं को विश्वास तब होगा की सरकार में 15 लाख नौकरी देने करने वाली वो सरकार जब बड़े बड़े वादे करके 9 महीने में 15 लाख से 44 लाख नौकरियों की रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी थी, और जब कैग की रिपोर्ट के अनुसार कौशल विकास योजना में भ्रष्टाचार लिप्त पाया गया था। अरे भ्रष्टाचार में तो राजस्थान नंबर 1 पे ला दिया आपने, आपकी कांग्रेस सरकार ने और आपके जननायक अशोक गहलोत जी ने, तथा कथित गांधीवादी नेता जी ने, जिस काले कानून को ये राजस्थान में बलात्कार में राजस्थान नंबर 1, बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 1, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1, भ्रष्टाचार को पनपाने वाले काले कानून को रोका। जिस बड़ी बड़ी बातों का कर रहे हैं ना आप बातें, पहले अपना आईना देख लीजिए,
केंद्र के अंदर बैठी मोदी सरकार ने जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ाई है, गहलोत साहब मैं फिर ये कहूंगा राजस्थान की कांग्रेस सरकार कटिबद्ध है इस परीक्षा को पूर्ण रूप से सही तरीके से कराने के लिए। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, देखिए दो दिन में आप भी खुद देखेंगे कि किस तरीके से इस योजना का, इस परीक्षा का सफल आयोजन कांग्रेस की सरकार ने किया है। देखिए सरकार वर्तमान में कांग्रेस की है तो जिम्मेदारी भी कांग्रेस की सरकार की। भरत जी बिल्कुल जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए सवाल आपसे ही पूछे जा रहे हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि इससे पहले जो परीक्षा हुई इससे कोई सीख लिया आपने? हम सवालों से भागने वाले नहीं है। इससे पहले जो परीक्षा आपके आयोजित हुई जिसमें लगातार जो ग्रोह है नकल करने वाला उस वो पकड़ा गया, उससे आपने सबक लिया? अगर कोई कमियां रही है, कोई कमी आप पूछे डीपी जारोली जी का है, इधर जी कमी रही है तो उस कमी को दुरुस्त किया जा रहा है। इस रीट के महा घोटाले में डीपी जारोली जी का नाम आया, क्या हुआ उस नाम के बाद, जांच कहां हुई? भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने की राजनीति करी गई है, ये युवाओं के भविष्य को नहीं देखते। हर एग्जाम में कांग्रेस के इनके नेता इनके कार्यकर्ता जहाँ शामिल रहेंगे वहाँ पर इधर जी न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। इन्होंने भविष्य के बारे में सोचा होता तो मुंह की नहीं खानी पड़ती। उपचुनाव में बाकी चुनाव में जमानतें जब्त नहीं होती इनकी, जनता कांग्रेस की सरकार की। अब राज्यसभा में कौन सी जमानतें जब्त होती है इधर जी, इनसे पूछिए, इनसे ये पूछिए कि राज्यसभा में चुनाव में कौन सी जमानतें जब्त होती है? एक छत्तीसगढ़ राजस्थान के अलावा सरकार ले गई आपकी। लेकिन भरत जी मुराद जी और भरत जी मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम ये परीक्षा पर जिक्र कर लेते हैं, परीक्षा का मुद्दा है और मुद्दे से हटते नहीं है क्योंकि बेहद गंभीर मुद्दा है और उपेन यादव इसीलिए लगातार बेरोजगारों के हक में खड़े रहते हैं और लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। जी उपेन यादव बोलिए। भरत जी आऊंगा आपके पास। उपेन यादव जल्दी, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा, मैं मुराद जी से भी ये कहना चाहूंगा कि कल लाखों बेरोजगार परीक्षा देने आ रहे हैं, आप ऐसे बयान हताशा वाली बात नहीं करिए, वो उत्साह के साथ है अपनी बढ़ती कि वो परीक्षा सही ढंग से दे। और मैं ये कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर दोनों पार्टियां तमाम पार्टियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें सोचना चाहिए कि माफियों को कैसे खत्म करें, गैंग को कैसे खत्म करें, पारदर्शिता के साथ कैसे बढ़ती हो। हम एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो बेरोजगार युवाओं का भविष्य नहीं बचा पाएंगे। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। तो इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों को युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए, न कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे की टांग खींचनी चाहिए, क्योंकि युवा सदमे में कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, कई लोग पढ़ाई छोड़ दे अपना गहना जमीन गिरवी रखते हैं। उनके हालात में जानता हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। लेकिन अब इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊंगा कि जो पिछली दो रीट की जो भर्तियां करवाई थी, मेघना चौधरी जी है जो सचिव है, एक सरकार का अच्छा निर्णय है, वो बोल्ड है और वो ईमानदार है, उसको वापस लगाया गया है, वापस उनको लगाया गया मेघना चौधरी जी को, जो दो बार सफलतापूर्वक दो बार रीट की परीक्षा करवाई है 2016। लेकिन ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करा रही है उपेन यादव, ये जो परीक्षा करा रही है, शिक्षक इंतजाम किए गए, ये अच्छे है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करा रही है जो नीट की परीक्षा आयोजित करा, जो अधिकारी को चेंज कर दिया गया, यानी कि मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात कर रहा हूँ, वहां मेघना चौधरी जी को लगाया गया सचिव जो पहले दो बार रीट आयोजित करवाई। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो अच्छी व्यवस्था करेगी, कहीं ना कहीं तीसरी बार भी वो सफलतापूर्वक इस भर्ती परीक्षा करवा देंगे, क्योंकि हमने उनकी कार्यशैली को देखा, ये अच्छा सरकार ये, ये भरत मेघवाल जी के लिए खुशी की खबर है, ये भी अच्छा निर्णय है, ये कम से कम उनको राहत भरी बात आपने कही। उपेन यादव, भरत मेघवाल जी, उपेन यादव कह रहे हैं कि अगर जो सचिव आपने लगाई है वो बेहतर परीक्षा कराने में कामयाब हो सकती है, इसलिए बेहतर परीक्षा आपकी हो सकती है। तो लगातार जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं परीक्षा को लेकर, नकल गिरोह के जो फेलियर हैं, जो उनको फेल करना है, उनको कैसे फेल करना है, उसके लिए एक ईमानदार अधिकारी लगाए गए हैं और इस बार ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम उन सबको पकड़ने में कामयाब होंगे, सरकारी कर्मचारियों की निगरानी में परीक्षा होगी, तमाम इंतजाम किए गए हैं, पिछली परीक्षाओं से सीखा गया है। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं, क्या इस बार परीक्षा बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगी, क्या उन नकल गिरोह को पकड़ने में कामयाब होगी सरकार जो लगातार इस तरह की
खबरों के बड़े माध्यम बनते हैं और नकल करवाने का प्रयास करते हैं। सरकारी कर्मचारियों की निगरानी में इस परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है। नकल गिरोह को कैसे फेल करेगा प्रशासन, ये भी सवाल है। लेकिन रीट परीक्षा का महाकुंभ कल से शुरू होने जा रहा है। तमाम बच्चों के भविष्य का मामला है। 23 और 24 जुलाई को ये परीक्षा आयोजित होने जा रही है और इस परीक्षा में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा हो रही है। सरकारी कर्मचारियों की निगरानी में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। नकल गिरोह को कैसे फेल करेगा प्रशासन, ये सवाल लगातार उठ रहा है और इसका जवाब भी हम मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से रीट परीक्षा का महाकुंभ कल से शुरू होने जा रहा है, अब उसको लेकर चुनौतियां कई हैं सरकार के सामने। क्या इस बार कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नजर आएगी? क्या इस बार नकलचियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो पाएगी? क्या नकल करने वाले गिरोह को पुलिस इस बार धरपकड़ कर पाएगी? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। रीट परीक्षा पिछली गलतियों से क्या सबक लिया है, ये भी सवाल है। तो चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मुराद अली जी हमारे साथ जुड़े, भरत मेघवाल हमारे साथ जुड़े, उपेन यादव आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।